थाने बताना चाहूंगा मैं जो दो जना ऊपर चढ़ रहा है और मारी को मत से अत्याचार हो है जकई धरना पर नहीं आवेगा मैं शपथ खा के जावांगा बेपन वोट कौन दे पे मरू ना कोई उम्मीद करे 24 दिनों में धरना पर बैठा प्रशासन अभी तक कोई सुनवाई कौन करी मारी अरे आदमी के का भूखा तो चक पुत्र की तरह बैठा है गौ माता को खतर न्याय लेके मैं अटू खड़े आवांगा मैं कोई गौ का भगत हां मैं कोई हत्यारा कोनी किंगा ध्यान है जब तक यूं ही लड़ता रहूंगा सर जी लॉलीपॉप दे ये 50 बार दे चुके 25 दिन के अंदर राजनीतिक संरक्षण प्राप्त व्यक्ति है हमारे लिए वो जिले का सबसे बड़ा गौ तस्कर है हम उसको नहीं छोड़ेंगे जलको थे माई कर कैमरो ले बैठे होनी अठे प्रशासन को नहीं आवे एक मारी हिंदू धर्म की सबसे बड़ी गौ माता है इनकी सरेआम कत्ल होगी ट्रकों में पटक दिया मार दी बाने सगला दर्शकों ने राम राम कैमरामैन विशाल के सागर मैं आशु थे देखे लग रहा हो झलको हनुमानगढ़ आज आप मौजूद हाँ टिब्बी के अंदर और टिब्बी के अंदर जो पानी की टंकी है बैठा है बता दूं थाने जो सुबह 7 बजे आज दो गो भक्त है गो प्रेमी सुबह 7 बजे पानी की टंकी पर चढ़े और अजय तय उतरे गोनी शाम की लगभग 5-6 बजे को टाइम आयो मांग बता दूं थाने मांग सिर्फ आ है कि अभी लड़ले दिना गुड़िया गाँव का जो सरपंच है इमरान खान बांग ऊपर वो आरोप है कि वे गो तस्करी ट्रक के अंदर भर के है तस्करी खातर के दो या बुचड़ खाने बजाने के दो ट्रक के अंदर है जो ठूस ठूस के है लगभग 40-45 गौ माता है जो भर के ले जावे लग रही गौ भक्ता बाने पकड़ लिए जो ट्रक है बाने और बी के बाद के अंदर अजय तई आरोपी है जो बतावा ला रहे इमरान खान बांगी गिरफ्तारी इमरान खान की अभी तक हो ही कोनी अभी लड़ देना 3 दिन पहला धरना लगाए बी के अंदर असहमति बनी ही कि 3 दिन के अंदर जो नामजद आरोपी है मैन इमरान खान बाने पकड़ लिए जाओगे जबकि के अंदर एक ड्राइवर तो पकड़ी जा चुकी है इमरान खान की अजय तई गिरफ्तारी कोनी इमरान खान की गिरफ्तारी ने लेके है गौ भक्ता आज अठे धरना लगा दिए है ऊपर दो जना मैं थाना दिखाना चाहूंगा टंकी के ऊपर थाने बताना चाहूंगा मैं जो दो जना ऊपर चढ़ रहे हैं एक को नाम संदीप कुमार है और एक को नाम सुभाष है सुबह 7 बजे चढ़ा है और अब शाम के 6 बजे को टाइम अजय ताई कोई वार्ता सिरा को चढ़ी और प्रशासन का आदमी अजय ताई कह दो चाहे पानी की बोतल तक है भूखा प्यासा है ऊपर तक भूखा पैसा बैठे है सुबह का और ना नीचे कोई ऊपर पानी जावा ला रहे हो ना कोई खाने पीना सामान जावा ला रहे हो मांग सिर्फ आ है कि जो मेन आरोपी है बी की गिरफ्तारी हो और जब तक गिरफ्तारी ना होगी वो धरना बैठा यहाँ ही लागे रहोगे और ऊपर टंकी के ऊपर यहाँ ही चढ़े रहोगे तो ऊपर टंकी पर जो गो भुख चढ़े पर बात करा मांग सक हेलो क्या हाल है संदीप जी ठीक है वैसा ठीक तो माड़ा यहाँ प्रशासन एक तरफ रवि अपनान लाग रहे है 24 दिनों में धरना पर बैठा प्रशासन अभी तक कोई सुनवाई कौन करी मारी लगातार 24 दिनों में एसपी साहब गए भी जागे आया थाने को पर घेराव भी करे हो लेकिन कोई प्रकार की सुनवाई कौन नहीं होने लाग रही तो संदीप जी अब थे मैं नहीं बताओ थरसा गया दूसरा चढ़ रहे बाहू के नाम है सुभाष नाम है अच्छा सुभाष नाम है संदीप जी कितना बजे चढ़िया सुबह सुबह 8 बजे चढ़े अच्छा 7-8 बजे को टाइम हो चढ़िया बेटा 8 बजे लेके अभी लगभग 5 बजे एक संदीप जी मैं यहाँ भी पूछना चाहूँगा ना तो ऊपर थारगन पानी की व्यवस्था है ना रोटी पाई सुबह बिना पानी पिए के और बिना रोटी पानी खाए बैठे होते ऊपर बिल्कुल बिना रोटी पानी खाए बैठे हैं और नीचे ऊपर कोई सामान भी कौन भी जो जाओ लग रहे कोई सामान कौन भी लग रही और अभी उन्होंने भिजवाने की रिक्वेस्ट भी करी लोगों जो प्रशासन है भेजने को दियो बिल्कुल बिल्कुल प्रशासन को पता नहीं किस के दबाव है जिको प्रशासन एक तरफ को काम करने लग रही है मैं कोई गो भगत हाँ मैं कोई हत्यारा कौन ही किंगा जिको हत्यारा है वो तो बाहर फिर लग रही है और माने इतना प्रदर्शन करना पड़ लग रहा है आज आखिर में हार गए माने टंकी पर चढ़ना पड़े है संदीप जी एक बात और पूछना चाहूंगा मैं गो भक्त है अठे भीड़ लग रही है लगभग जब तक मैं समझू अठे लगभग 500-700 जना है अठे ज्यादा ही होगा और 700 जना अठे धरना लगा रखे है महज एक बंदे ने गिरफ्तार करने की मांग पर तो क्या प्रशासन गिरफ्तार को नहीं कर सके बिना खड़े कमी खटा थाने के लागे लग रहे माना तो यहाँ लागन लाग रहा है प्रशासन के ऊपर कोई दबाव है कोई राजनीतिक दबाव है बिंगी वजह भी सिर्फ बिंगी भाषा ही बोल रहा है मार ली तो बात ही कौन सुनी जावे जी सुभाष जी है ऊपर टंकी पर चढ़ रहे आपा बांग सागर की बातचीत करेंगे आपा हेलो सुभाष जी हाँ जी जय गौ माता की जय गौ माता जी क्या हाल है सुभाष जी हाल तो देखो तारे सामने है प्रशासन के सरकार के राज में जो गौ माता की कदर नहीं है जदे क्या हालात है बिल्कुल जी थे देख पावा लग रहे हो ऊपर है दो गो बक चढ़ रहे और आपा बात भी कर ला रहे हैं दोनों के साथ अपनी फोन के ऊपर है बातचीत चला लग रही है सुबह 7 बजे चढ़िया और 5-6 बजे को टाइम आ गया हाँ जी ना बिना रोटी पानी खाया बैठे हो थे बिना पानी पिया बैठे हो तो यहाँ सुभाष जी कब तक फिर यहाँ संघर्ष करेगा जब तक ध्यान है जब तक यूं ही लड़ता रहूंगा गौ माता न्याय दिलाए बगैर मैं पीछे कौन हटा तो तहसीलदार साहब है भी आया लेकिन वार्ता सिरे चढ़ी को नहीं बे अलग अकेला वो बात करना है मतलब सारा के सामने क्यों ना हुआ बातचीत
सर जी लॉलीपॉप दे 50 बार दे चुके 25 दिन के अंदर, और आज इकट्ठी भी एक पैकेट ही ले गया सारा देने का दरदान है। अच्छा अच्छा, नहीं अभी थे जी आवाज मारी ना कि भाई आशू जी आशू भाई जी थे ऊपर आओ, तो मैं ऊपर आने लगे मैंने रोकियो भी टाइम, फिर मैं जो है डिप्टी साहब है SDM साहब है बाऊ पूछो, लेकिन भाई जानने मना कर दिया ऊपर जाने, वे कह ऊपर को नहीं जानो, और अभी जो अपना साथी है थारा साथी वे बोले भाई जी पानी वगैरह फल फ्रूट वगैरह ले जियो भूखा बैठे हैं, मैं कह ठीक है ले जाऊँ, लेकिन मैंने आनी कौन दी ऊपर SDM साहब और डिप्टी साहब मना कर दिया। तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम लड़ते रहेंगे जब तक ये निकम्मा प्रशासन नहीं जागेगा, ये सरकार नहीं जागेगी, हम गौ माता के लिए लड़ेंगे। तो सुभाजी वजह के है कमी के वजह है, मतलब एक बंदो गिरफ्तार को नहीं हो रहे हो, और इतना जना मतलब सारा खराब हो रहा है, इतना जना बच्चा बूढ़ा जवान सारा मतलब अठे धरनो लगा रखे है, ऊपर थे टंकी पर चढ़ रहे है, और एक बंदे की गिरफ्तारी को नहीं हो रही, खड़े राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर जी, आप रसो जी थाने पूरी पूरी कहानी बतावा, तो स्टार्टिंग में थे पहला आया जब भी मैं थाने के हो, और बिंग बावजूद कुछ जनप्रतिनिधि आया पाने भी राजनीति संरक्षण है बंद कर दियो, सरकार सिर्फ 50 दिन की है, बिल्कुल कोई ज्यादा दिन की कोनी, और सरकार आंती जानती रहेगी, बड़ी बात कोनी है बिल्कुल, लेकिन वो धर्म है ना धर्म नष्ट कौन है, वो हजारों साल पुराणो है, और बी टाइम ही गौ माता की पूजा होया करती है, आज भी होगी सदा ही होती रहेगी। आशीष जी थे बताओ सुबह 7 बजे टंकी चढ़े और 5 बजे ना आ गई, क्या अपने मान लो प्रशासन है को नहीं या प्रशासन सुत्यो है के है, मैं तो समझ को नहीं आ रही। मेरे से ज्यादा तो आप लोग जानो जी, ठीक है ना, जो प्रशासन का जो एक तरीका रहा है हमेशा से हर कार्य में, जो कार्य है समाज हित से जुड़ा होता है उसमें वो ऐसे ही टाल मटोल करते हैं, और जो उनके फायदे से जुड़ा होता है वो उसको तुरंत प्रभाव से हल करते हैं, और ये आज का विषय नहीं है, ये हमेशा से चल रहा है इनका। आशीष जी एक व्यक्ति खातर आज अगर भी ने गिरफ्तार कर लिया तो आज 18,000-15,000 आदमी परेशान को नहीं हुआ। आशु जी वो बात जो मेरे को कहनी चाहिए वो आप कह रहे हो, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं प्रशासन जो है वो अपना जो एक सौदा मानो आप कर चुका है, अपने जमीर का भी और अपने मन का भी, अपने सारे सम्मान का, वो अपना समझौता जो है वो उनके साथ कर चुका है, और उसी का परिणाम है कि आज जो दो गौ भक्त हैं वो तो ऊपर बैठे हैं सुबह से भूखे प्यासे, और बाकी जो समाज है वो बेचारा नीचे बैठा उनका इंतजार कर रहा है, और प्रशासन को अब शुद्धि आई है, अब प्रशासन के अपने तहसीलदार जी अब आकर के गए हैं कि जी वार्ता करनी चाहिए। दूसरा हमें भी ये लगता है कोई हम इसके पक्ष में नहीं है कि वार्ता नहीं हो, शांति का प्रयास अंत तक होना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण ने भी ये संदेश दिया था अभी शांति रहे, वो भी चाहते हैं तो हम भी यही चाहते हैं कि शांति रहे, लेकिन एक तरफा शांति हमेशा घातक होती है, बिल्कुल घातक होती है। आज अभी हम यही विचार कर रहे थे आपके माध्यम से, मैं समाज के अन्य प्रबुद्ध जो अभी क्योंकि टीबी में बहुत सारे लोग हैं, हमारा हिंदू समाज अथा है सागर है एक पूरा, और दूसरा भी अपना जो समाज है जो अपने से जुड़ा हुआ है किसी न किसी तरह गौ माता से जुड़ा हुआ है, हमसे जुड़ा हुआ है, हम उसको भी कह रहे हैं कई बार तटस्थता की नीति जो है वो सबके लिए घातक होती है, और भगवान ने कहा भी है कि समर शेष है पाप केवल भागी नहीं व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध, जो समय आएगा वो सबके अपराध लिखेगा, और सबको ये सोच लेना चाहिए कि आज अगर हम इस धर्म के कार्य में पीछे रहे तो आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो हमें कभी क्षमा नहीं करेगी। आशु जी मैं सुबह से ही कह रहा हूं और काफी दिन से कह रहा हूं भी, अपनी पुलिस चाहे अपना प्रशासन चाहे पताल से लेके आ सकती है, लेकिन उसको पता है कि इसको बचाने वाले जो लोग हैं उनका हाथ बहुत लंबा है, और वो इतना लंबा हो गया है कि वो कानून से भी बड़ा हाथ हो गया है उनका, इसीलिए उनको उनकी पूरा जो ये यहाँ के नेता है, चाहे आप मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं लूंगा, जो भी हैं इनके जो इनका रक्षा करने के लिए दिन रात लगे हुए हैं वो भी ये सोच लें, आपको नेता जनता ने बनाया है, इसी समाज ने बनाया है, और ये जो बैठा है ना यहाँ पे ये कोई ऐसा नहीं है कि गली में जैसे घूमने वाले लोग हैं, ये प्रतिष्ठित लोग हैं, अपने अपने क्षेत्र के माहिर लोग हैं, ये जब यहाँ पर बैठे हैं आप अपना अनुमान लगा लो, जो ये आपको कुर्सी पे बिठा सकता है वो कुर्सी से गिरा भी सकता है, लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक समाज हित के मुद्दे को लेकर के गौ माता के हित के मुद्दे को लेकर भी ये लोग खामोश हैं, और उन पापियों का साथ दे रहे हैं जो दिन रात पाप कर्म में लगे हुए हैं, और ये जो जिस सरपंच की आप बात कर रहे हैं इस सरपंच का आज का इतिहास नहीं है, आप पीछे से भी उठाकर देखोगे तो पता लगेगा कि अन्य कम से कम इस व्यक्ति ने सैकड़ों ट्रक जो है वो ऐसे गौ माता के जो है ये लेकर के जाता है, और वहां जो है इससे साहब तो कह रहे थे कि जी यहाँ से नहीं निकला, मैं कह रहा हूँ इसने कटने के लिए भेजे,
और इसकी हमारे पास हमेशा से और प्रशासन के पास भी इसकी जानकारी है। और आपको मैं बता दूं, ऑन रिकॉर्ड मैं कहता नहीं हूं, लेकिन चूंकि अभी आप बात कर रहे हैं कहनी चाहिए। ये प्रशासन में भी कुछ लोग ऐसे हैं, पुलिस में भी ऐसे कुछ लोग हैं जो इस गौ माता के साथ अन्याय, अपने लोगों के साथ अन्याय होता देख करके उनकी भी आंखों से आंसू आ रहे हैं, वो भी दर्द में है और वो हमें बराबर सूचना भी दे रहे हैं कि सार्वजनिक मंच पर नहीं आना चाहते और आना चाहिए भी नहीं। किस लिए आए हैं बेचारे? उनको पता है कि सारा जो सिस्टम है इन्होंने पूरा हाईजैक किया हुआ है, तो वो भी उसके अंदर क्या है कि बेचारे मन महसूस करके बैठे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि अन्याय हो रहा है और आपको इस अन्याय के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। आज लोकतंत्र में यदि की कहानी देखे, क्योंकि आशा की और उम्मीद की तरफ देखे, तो वो है पुलिस प्रशासन। और पुलिस प्रशासन की हठधर्मिता जी की है, वह अपने सब लोगों के सामने कि पिछले 20-22 दिनों गौ माता की न्याय खातर हटे गौ भगत कदी धरनों लगावे, कदी घेराव करे, और आज भी जिला को प्रशासन है जी को एक जिया भाई साहब अभी कहो कि पता नहीं के दबाव के अंदर एक व्यक्ति इतो बड़ो के व्यक्ति हो गयो जिकन बे बहुत से दे रखी है। यानी कुल मिला के सीधी सीधी सी बात जी की है वह आ है कि पुलिस प्रशासन बिंगी पैरवी करने लाग रही है और ये गौ भगत है बे बने यहाँ खारा लागे जिया की, यानी ए तस्कर है। जबकि इमरान खान एक गो तस्कर है, साले मोहम्मद जी सांगो फोन एसपी साहब के नावे और एसपी साहब जी का है बे बांगी जी की है बा बात माने, कुल मिला के मैं कहो नहीं जी की भी पैरवी करे। तो आने वाले समय में यदि ई तरीके की है रवैयो प्रशासन रखियो तो पूरा हिंदू समाज ने जागरूक करांगा, गांव गांव में जावांगा, चाहे माने पीला चावल करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन गौ माता का खातर न्याय लेगे मैं अटू खड़े होवांगा भी हूँ पहली माने कोई भी मंजूर को नहीं। तहसीलदार जी आया के बार तहसीलदार जी तो आई, अभी 5-7 आदमी नियुक्त हो गया, वो बात करो एसडीएम साहब। एसडीएम साहब इतना आदमी बैठे हैं, एसडीएम साहब बैठे को नहीं आ रहे के वजह? देखो बांगी सोच है, कारण जलको थे माई कर कैमरों ले बैठे हो नहीं, अठे प्रशासन को नहीं आवे। प्रशासन कहे भाई मैं एकला बैठ के बात करांगा, कोई कैमरो कोई नए आवे, कोई नए आवे किसी बात निकल जाए रिकॉर्ड किसी मन तो आई लागे, बाकी बात करार तो वार्ता अठे भी कर सके है, कितो शांत माहौल है। पुलिस के अधिकारियों का तो काम ये रहता ही रहता है, हर मामले को जो मामला ज्यादा होता है उसको दबाने का, सेटिंग करने का। परंतु सबसे बड़ा दुखद विषय है कि प्रशासनिक अधिकारी जिनकी ये जिम्मेवारी है कि क्षेत्र के अंदर शांति और कानून व्यवस्था वो कायम रहे, बड़े बेशर्मी की बात है कि सुबह से लेकर के अभी तक कोई प्रशासनिक अधिकारी हमला नहीं आया नीचे के स्तर का। अभी तहसीलदार साहब आए हैं और बिल्कुल इसमें कतई दोहरा नहीं है कि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त व्यक्ति है और बड़े हाथ इसके हैं, गो तस्करी में काफ़ी वर्षों से लिप्त है, कानून इसको बचा सकता है, परंतु साक्षमिक दृष्टि से आज हमारे लिए वो जिले का सबसे बड़ा गो तस्कर है, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। बच्चों बैठे बैठे और वो भी सुबह से अठाई धरने पर बात के नाम जसनदीप स्कूल कौन गए आज क्यों कौन गया? गौ माता के लिए के मां के मांग करो के होना चाहिए। एक महीने से धरने पर बैठे हैं और उसमें प्रशासन कह रही है 3-4 दिन का कह रही है और उनका गौ माता का मतलब अत्याचार का कुछ कह नहीं रही है और बूढ़े बुजुर्ग बूढ़े आदमी और पर बैठे थे अत्याचार को और हमको स्कूल छोड़ कर बैठना पड़ा। कब तक बैठे रहोगे बेटा, कब तक बैठे रहोगे? पता नहीं जी, जब कोई हल आ जाएगा उस तक, मतलब जब तक कोई समाधान को निकले स्कूल छोड़ के हटी बैठे रहोगे जी। पहला तो मैं धरने को नहीं आस क्या अब आया और बड़ो ही दुख को विषय है। मैं मेज का जन्नी प्रतिदिन देना खतर फिरा वोट मांगता फिरा या मांग सागे फिरा बे आज माने इधर ने मिलिया को नहीं। जो थारा थे जो चुनाव जिन्हें जिताया अभी आया कि जनप्रतिनिधि थारा हटा इधर ने पर आया वार्ता करने के हो क्यों इधर ने पर कोई जनप्रतिनिधि कौन पहुंचो मारी नजर में और मैं अस्पताल के जावांगा जे अठे कोई ना आयो तो मैं वोट बन कौन दिया जगह अठे नहीं आया है बन वोट देंगा जगह अठे तो नहीं पाएगा आज मारी को मत से अत्याचार हो जगह इधर पर नहीं आवेगा मैं शपथ खा के जावांगा मैं बन वोट कौन दिया मैं मरूं ना कोई उम्मीद करे तो यहाँ है कि हमारा आदमी जो कहा भूखा तिचा कबूतर की तरह बैठे है प्रशासन माने कोई कौन संभाल लाग दियो है जी और अठे आवे अठे इतनी जनता देखी है कोई चाह की व्यवस्था कोनी कोई और की कोनी आपके घरे जा जाए काम लाग जाए है अठे कोई मान आगे कोई संभाल को लाग दियो एक हमारी हिंदू धर्म की सबसे बड़ी गौ माता है जिनकी सरेआम कत्ल होगी ट्रकों में पटक दिया मार दी माने है और वो एक मुलजम जो को है वो गिरफ्तार को नहीं होने लाग रही हो कारण की है ऊपर ऊपर सीटा पर बैठा है बहुत ऊंचा वह लोग कौन संभाल लाग रहा है बोलन को ला क्या वह हिंदू नहीं है मन भी सोचना चाहिए कभी इतनी जनता जो बैठी है वो इतनी दुखी हो रही है और गऊ हमारी माता है भी गऊ ने मैं हत्या करवा लाग रहा
जुल्म की बात है। क्यों ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल रूँ, क्यों मैंने बोल रूँ आवे को। घर की छत के ऊपर आप आया हाँ और पानी की टंकी दिख पावला रही है जो दोनों का दोनों गो वक्त है बेचारा सुबह चढ़े हाँ 7 बजे और अजय तीन ऊपर चढ़ेड़ा है और अभी तक कोई वार्ता भी कोई सिरे को नहीं चढ़ी। वीडियो के प्रति थारी के राय है के सुझाव है वो कमेंट बॉक्स के माध्यम कमेंट करके माने जरूर बतायो। झलको हनुमानगढ़ चैनल पर अगर थे नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दो, पास में बेल आइकन का बटन में दबा दो और वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। थारा गाँव में या आसपास में किस तरीके की कोई भी समस्या है तो नीचे डिस्प्ले में हमारा झलको हनुमानगढ़ चैनल का मोबाइल नंबर चल रहा है, इन नंबर पर थे माने फोन करो मैसेज करो, मैं थारा गाँव में पहुंचाऊंगा, थारी समस्या उठाऊंगा, थारी आवाज उठाऊंगा। अंतो माने दो इजाजत, मिला थारसा का अगली वीडियो में। जय हिंद, जय राजस्थान, जय हनुमानगढ़।